इस साल पवन सिंह का एक छठ गीत ऐसा आया जिसे सुनने के बाद कईयों के आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन के दूसरे छठ गीत की, जो अभी भी म्यूजिक के ट्रेंडिंग में 22वें स्थान पर और आपको बता दें कि ये गाना इतना खूबसूरत है और इतना दर्द भरा है कि जो भी इसे सुन रहा है उसके आंखों से आंसू छलक उठ रहे हैं। वैसे आपको क्या हम ये बात भी बता देना चाहते हैं, पवन के फैंस के अलावा पवन के घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गाना सुना और अपने आप को रोने से रोक नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की माता श्री की। जी हाँ, आप तो जानते हैं पवन की खुशियों के लिए न जाने वो कितनी मन्नतें मांगती रहती हैं, और अब ऐसे में खबर आई है कि पवन का ये गाना सुनने के बाद उनकी माँ के आंसू नहीं थम रहे थे। गाने की ये लाइन पवन की माँ को कुछ ज़्यादा ही चुभ गई और इस गाने को सुनते ही उनके आँखों में आंसू आ गए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि पवन कुछ महीनों पहले लाइव आए थे और वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि उनके पिता का एक सपना वो नहीं पूरा कर पाए, पवन के बेटे को हाथ में नहीं खिला पाए, लेकिन माँ ज़रूर ये सपना पूरा कर पाएगी। और इस गाने में भी पवन सिंह जिस मुद्दे को उठाए हैं, जिस चीज़ को सामने रखे हैं, वो उनके रियल लाइफ से मिलता जुलता ही है। क्या कहेंगे आप पवन के इस गाने को लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वाकई ये गाना काफ़ी इमोशनल भरा है, जिसे सुनने के बाद सभी कहीं ना कहीं इसे रिलेट कर पा रहे हैं। तभी तो ये गाना YouTube के म्यूज़िक के ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।